हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन की रणनीति में बदलाव किया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश भर में मंडल कार्यकर्ताओं से विधायक के तौर पर प्रत्याशी की पसंद पूछ रही है। वैलेट बॉक्स में प्रत्याशी पर्ची अपने पसंदीदा नेता का नाम लिखकर बॉक्स में डालेंगे। मंडल पदाधिकारी को पसंद के मुताबिक 3 नाम लिखकर वैलेट बॉक्स में डालने के लिए कहा गया है। इसके बाद ये वैलेट बॉक्स आला कमान के पास जाएगा, जहां प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मोहर लगने वाली है। राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा के 4 संगठनात्मक जिले के मंडल पदाधिकारी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इनमें से जिला महासू, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और बहुत जल्दी हम चुनाव में जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा भी होने वाली है। उसी कड़ी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और उसमें हमारे जो भी प्रत्याशी हों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हों, उसमें हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, हमारे स्थानीय निकाय के लोग हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग हैं, अर्थात सभी लोगों की राय का समावेश हो। और उसके लिए हमने संसदीय क्षेत्र वाइज जो है हर मंडल की लोगों की राय लेने का तय किया है, और उसी कड़ी में आज हमने 4 स्थानों के ऊपर, हमारे जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 17 जो ज़िले हैं उनकी बैठक हमने रखी है, और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की राय, जो कि गुप्त राय जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेने का क्रम